देखिए क्या कह रहा है कि ए पैसेंजर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड. फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें ले तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. क्या कह रहा है, हम लोग फॉर्मूला पहले यहाँ लिख लेते हैं. टाइम इक्वल टू में आपको पता है डिस्टेंस बाई में स्पीड होता है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन जो है 1 आवर लेस ले रही है जब 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल करने के लिए स्पीड इंक्रीज कर दिया जाता है 5 किलोमीटर पर आवर. तो पहले स्पीड एक्स था यानी कि 150 बाई एक्स ये आपका टाइम हो गया, और 150 बाई एक्स प्लस 5 अगर रखते हैं तो ये टाइम कम होगा इसके रिस्पेक्ट में कितना, तो यहाँ पर कह रहा है 1 आवर लेस लग रहा है क्योंकि स्पीड ये बढ़ा देते हैं तो ये 1 आवर लेस लग रहा है इससे. चलिए एलसीएम लेते हैं, एक्स इंटू में एक्स प्लस 5 इसमें से डिवाइड करके कर जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा 150 इंटू में एक्स प्लस का 5 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा 150 एक्स इक्वल टू में 1. चलिए आगे इधर सॉल्व करते हैं, 150 एक्स प्लस का 750 ठीक है, और माइनस 150 एक्स बाई में नीचे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू में यहाँ 1 ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा. यहाँ पहले इसे काट लेते हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750. इसको इधर लेके चलाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 750 इक्वल टू में 0. चलिए तब इसका फैक्टर करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस का 30x माइनस का 25x माइनस 750 इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन करते हैं, x प्लस का 30 आ जाएगा, माइनस 25 कॉमन करते हैं x प्लस 30 आ जाएगा. x प्लस 30 है कॉमन कर लेते हैं, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 25 इक्वल टू में 0. अब इसको अलग अलग कर देते हैं ठीक है, तो x प्लस 30 इक्वल टू में 0 और x माइनस 25 इक्वल टू में 0. x इक्वल टू में माइनस का 30 और यहाँ x इक्वल टू में 25. तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर स्पीड ऑफ यानी x का वैल्यू 25 लेंगे ठीक है, तो स्पीड ऑफ द यूजुअल स्पीड ना, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 25 किलोमीटर पर आवर. समझ गए क्वेश्चन नंबर.